दोनों बच्चों से ये सवाल है मेरा जी। अक्सर ना अब्बा अम्मा जरा बताते हैं तुम लोगों को क्या पता, हमने तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ा है। तो आप दोनों ने कोई किस्से अब्बा के ऐसे स्ट्रगलिंग वाले किस्से सुने आप लोगों ने दोनों ने? मुझे इन्होंने खुद ही बताया ना, इन्होंने जब इनकी जो जवानी के किस्से बड़े बताए इन्होंने कि स्ट्रीट लाइफ काफी गुजारी इन्होंने। अच्छा। मतलब जो स्ट्रगलिंग लाइफ बड़ी थी, मतलब पीटीवी का अगर आप लॉ स्टेशन देखें तो वो जो उनका जो पेवमेंट है बीच में सेंटर, अक्सर वहां बैठा करना, वहां पे सारे दोस्त यार एक्टर वगैरह सारे, तो स्ट्रगल लाइफ इन्होंने अक्सर हमें बताया। फिर वहां लक्ष्मी चौक पे जाना, अक्सर पेरेंट्स इस तरह मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी चौक मतलब वहां हुआ करता था अक्सर, इनकी वहां सिटिंग हुआ करती थी, फिर वो पीटीवी में बैठना उठना। जमीन पर सोए हैं जो पीटीवी लाहौर का या पेशावर का, इस्लामाबाद का जो स्टूडियो है जी। तो वहाँ पे बैठने की, इस्लामाबाद स्टूडियो छोटा सा एक बैरक में था, तो वहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी, बाहर छोटा सा लॉन था। अच्छा, और दिन में तो हमें रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो एक ही स्टूडियो था, करंट अफेयर्स आ जाते थे, एक सेट लगा होता था, उस सेट पे हम काम कर रहे थे, उस पे भी वो कहता था निकलो निकलो भाई क्या हुआ, करंट अफेयर आ गया, खबरों का टाइम हो गया, वो हम आके बाहर बैठ जाते थे। फिर वो जब ट्रांसमिशन खत्म होती थी तब हमारी रिकॉर्डिंग, तो नींद आ रही होती थी, बाहर आके सड़क वेट करते थे। हाँ, बाहर वो छोटा सा एक लॉन। अब तो कहानी बड़ी उल्टी हो गई, बहुत उल्टी हो गई। अब तो डायरेक्टर वेट करता है, अभी तक नहीं आई। लड़की के घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, हीरोइन के घर के नीचे 2 घंटे से गाड़ी खड़ी है। नहीं, हमने तो बड़ा उल्टा काम हो गया। हमने तो बाकायदा जो है ना वो जान मारी है और प्रैक्टिकल किया है। मैंने अपने भूख बार 24 घंटे मैं भूखा रहा हूँ कि यार खाना मैं बताया खाना अगर खाऊंगा तो दाढ़ी लगी होती थी ना, कच्ची दाढ़ी होती थी, तो मैं अगर खाऊंगा तो ये दाढ़ी खराब हो जाएगी। ओह माय गॉड, तो ये सब आपने भी बेयर किया होगा। हम सब मिसे मैम 4 साल तक काजी हुसैन अहमद साहब का रोल करता था, तो सफेद दाढ़ी होती थी वो इतने बारीक रैपर की, कि हम वहाँ घर से कह कहते थे हम सब मिसे की रिकॉर्डिंग पे चले हैं, बच गए थे आज वहाँ। तो बाज़ औक़ात एक एक रात एक एक दिन गुजर जाता था, तो नहीं खा सकते थे कि वो सारी की उतर ना जाए। हम सब उम्मीद से जब शुरुआत हुई थी तो उसकी पहली होस्ट मैं थी, तो वो मैं इन फैमिली में थी, उस समय मेरा पहला बेबी होने वाला था। उस जाहिर है आपको पता है वो तो सुबह से रात तक पूरे 24 घंटे रिकॉर्डिंग, 8 एपिसोड। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे घर तो खुशखबरी आने वाली है, मैं इसको बुरी खबर में नहीं चेंज करना चाहती, तो मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन ये है कि वाकई वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं हम लोग, और शायद 2-2.5 घंटे में देख के, और करंट अफेयर है कि रोक लिया जाता था कि एक न्यूज आने वाली है उसके मुताबिक बाकी न्यूज पर सब लिखेंगे, तो फिर जल्दी 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 होगा। तो बाहर एंजॉय तक, फिर जो नए नए लड़के आते थे वो सिर्फ लुक अलाइक की वजह से आते थे, तो इसलिए बहुत, मैंने कहा भाई इन्होंने कोई गनमैन भेजे थे तुम्हारे घर के, तुम अपनी मर्जी से आए हो ना, तो इसलिए इस सेगमेंट का या इस प्रोग्राम का यही वतीरा है कि आ जाओ और जब ये कहने तो फिर चलेगा। किसी को जल्दी है तो चले, फकीरों का काम है, दुर्वेशों का, अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, तो ये दाने को खाक में मिलना पड़ता है फिर वो कुछ बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।